आज से 700 साल बाद क्या होगा अगर ऐसे ही प्रदूषण बढ़ता रहा तो? इसके कई अजम्पशन में से एक अजम्पशन पर आधारित मूवी वाली आपको ये बात बताती है। 2008 में रिलीज हुई ये एनिमेटेड मूवी आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें दिखाए गए इमोशंस, प्यार और टेक्नोलॉजी की वजह से। और साथ ही साथ इस मूवी में हमें दो रोबोट्स के बीच का प्यार बड़े ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं इसी वाली मूवी के कंप्लीट स्टोरी डिस्कशन करूंगा। अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि 700 साल बाद अर्थ में कोई भी जीवन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कचरे के ढेर हैं। और हमें वाली को दिखाया गया है जो कि कचरों को क्यूब शेप में इकट्ठा करता है, उसके आसपास कोई भी नहीं होते हैं और वो अपनी इंस्ट्रक्शन के अनुसार दिन भर कचरा ही इकट्ठा करता है और पूरे पृथ्वी में उसके साथ सिर्फ एक कॉकरोच ही होता है। इतने टाइम अकेले रहने पर वाली अपने लिए एक घर बनाया है जहाँ पर जो जो चीज़ें उसे अजीब या फिर पसंद आती हैं वो अपने घर ले आता है। और साथ ही साथ उसके पास अपने अल्टर पार्ट्स भी होते हैं जो कि खराब होने पर वो उन्हें रिप्लेस कर सकता है। लेकिन उसके पास एक कैसेट भी होता है जहाँ पर ह्यूमंस यानी इंसान डांस कर रहे होते हैं। ये देखकर वाली बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो हाथ पकड़ने वाला सीन को देखकर वो और भी ज़्यादा खुश होता है। एक दिन उसको एक अजीब सी चीज़ मिलता है और वो पौधा होता है, उसे वाली रख लेता है। तभी उसको एक लाइट दिखता है, जब वो उसका पीछा करता है तब वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और उसमें से एक रोबोट निकलती है जिसको देखकर वाली सरप्राइज होकर उससे नज़र नहीं हटा पाता। वो रोबोट एक हाईटेक मॉडर्न रोबोट थी। वाली जब गलती से एक आवाज़ करता है तो वो तुरंत उसकी ओर फायर करने लग जाती है। वो रोबोट अर्थ में इधर उधर स्कैन करने लग जाती है और वो स्पेसशिप वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद वाली उस रोबोट से बात करता है तब वो रोबोट अपने आप को ईव बुलाती है, लेकिन वाली उसे ईवा बोलता है। और वो बाद में ईवा को अपने घर दिखाने ले जाता है और वो अपने कलेक्ट किए चीज़ें भी उसे दिखाता है और साथ ही साथ अपना पसंदीदा कैसेट भी प्ले करके उसे दिखाता है। ईवा को भी वो पसंद आती है। तब वाली वो पौधा जो उस कलेक्ट किया था उसे दिखाता है। ये देखते ही ईवा उस पौधे को स्कैन करके उसे स्टोर कर लेती है और साथ ही साथ बंद पड़ जाती है। ये देख के वाली निराश हो जाता है और वो उसे उठाने की कोशिश करता है। अगले दिन उसे वो सूरज की किरणों में रखता है क्योंकि वो खुद सोलर पैनल से चार्ज होता है, तो शायद ईवा उससे उठ जाए। यहाँ पर कुछ सीन हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखाया गया है क्योंकि वाली का पहला दोस्त और वो भी अभी बंद पड़ गया है, लेकिन फिर भी वाली उसका ख्याल रखता है। बाद में एक स्पेसशिप आती है और वो ईवा को ले जाती है। साथ ही साथ वाली भी कैसे करके उस स्पेसशिप में चढ़ जाता है ईवा को बचाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो स्पेसशिप एक बहुत बड़े स्पेसशिप के अंदर जाता है तभी हमें इंसान दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी सुस्त और मोटे हो गए हैं और वो कोई भी काम खुद से नहीं कर पाते हैं और सारा का सारा काम रोबोट्स ही करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें चलना भी नहीं आता है। उनमें से एक जब अपने सीट से नीचे गिर गया था उसको वाली ने ही सीट पर उठाया था। अभी हमें दिखाया जाता है कि क्यों ईवा बंद पड़ गई थी, क्योंकि ईवा को पृथ्वी में जीवन की खोज के लिए भेजा गया था, इसलिए वो जगह जगह स्कैन कर रही थी। जब वाली उसको वो पौधा दिखाया तभी वो अपना मिशन पूरा कर दिया था। तभी ईवा को शिप के कैप्टन के पास ले लिया जाता है और वो देखता है कि 700 साल से वो रोबोट भेज रहे थे, लेकिन पहली बार उसे अर्थ में लाइफ मिलता है। जब ईवा के अंदर वो देखते हैं तब वहाँ पर पौधा गायब था। तब तक ईवा वाली को देख चुकी थी, इसलिए वो वाली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वहाँ पर ईवा को रिपेयर के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर वाली भी जाता है, और वहाँ पर कई खराब रोबोट्स भी थे। वहाँ पर जब वो ईवा को रिपेयर करते हैं तो वाली को लगता है कि वो ईवा को चोट पहुँचा रहे हैं, तब वाली सिक्योरिटी तोड़ देता है और वहाँ पर सारे खराब रोबोट्स आज़ाद हो जाते हैं। तभी ईवा गुस्से में वाली को अर्थ भेजने के लिए उसे स्पेसशिप में बिठाता है, लेकिन तब एक रोबोट वहाँ पौधा लेकर आता है और वहाँ गलती से पौधे के साथ वाली को भी अर्थ भेज देता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वाली कैसे भी करके वहाँ से बच जाता है और यह देखकर ईवा तुरंत स्पेस में चली जाती है और वो वाली के ऊपर गुस्सा नहीं होती है बल्कि वो उसे प्यार करने लगती है। तभी वाली वो पौधा ईवा को दिखाता है और ईवा उसे कैप्टन के पास ले जाता है। कैप्टन तब तक अर्थ के डिफरेंट डांस और खाना देखकर इंप्रेस होकर घर जाने के लिए खुश था। और वहाँ पर जब वो ईवा की मेमोरी देखते हैं तभी ईवा जब बंद पड़ गई थी तब वाली उसका कैसे ख्याल रखा था ये देखकर वो उसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है। लेकिन वहाँ एक रोबोट था जिसका नाम ऑटो था
वो 700 साल पुराना अर्थ छोड़ने वाला प्रोग्राम को मानता है और वो वाली के डिस्क को खराब कर देता है जिसकी मदद से वाली फंक्शन करता था। वो और ईबा एक कचरे के ढेर में गिरते हैं। वहाँ पर वाली ईबा को उस पेड़ को दिखाकर आर्थ बोलता है, मतलब वो सबको आर्थ ले जाना चाहता है। तभी ईबा वाली को लेके उस हॉलो डिटेक्टर की ओर चलता है क्योंकि वहाँ पर पौधा रखने से स्पेसशिप आर्थ की ओर ऑटो पायलट हो जाएगा, लेकिन ऑटो ये नहीं होने देना चाहता। और तभी हमें वो खराब रोबोट्स उनकी मदद करते हुए दिखाया गया है और कैप्टन कैसे भी करके उस हॉलो डिटेक्टर को ऑन कर लेता है, लेकिन ऑटो उसे ये करने से रोक रहा था इसलिए वो डिटेक्टर बंद हो रहा था। वाली उसको पकड़ के आधा टूट जाता है, लेकिन कैसे करके ईवा आखिर में उस पौधे को वहाँ पर रख देती है और वो आर्थ की ओर तेजी से कुछ ही समय में पहुँच जाते हैं। और ईवा तुरंत वाली को उसके घर ले जाकर उसके पार्ट्स चेंज करती है और एक नया डिस्क भी लगाती है। और तभी वाली उड़ जाता है, लेकिन उसको कुछ याद नहीं रहता क्योंकि उसकी मेमोरी रिसेट हो चुकी थी। ईवा उसको बहुत सारी चीज़ें दिखा के याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वाली को कुछ भी याद नहीं आता। तभी जब वो मायूस होकर वाली के हाथ पकड़कर उसे हग करती है, तब वाली उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। यह देखकर ईवा और साथ ही साथ सभी खुश हो जाते हैं। मूवी के एंडिंग में हमें ईवा और वाली एक साथ रहते दिखाया गया है और साथ ही साथ इंसान फिर से खेती करके अर्थ को धीरे धीरे हरियाली करते हुए भी दिखाया गया है। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी में हमें दो रोबोट्स के बीच का गजब प्यार हमें भावुक कर देता है और साथ ही साथ प्रदूषण रिलेटेड एक मैसेज भी मूवी हमें देती है। आपको ये मूवी और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। ऐसे ही रेगुलर बेसिस में वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। अगर यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।